press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान उपचुनाव में हार का गम अभी बीजेपी भूली भी नहीं थी कि मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। यहां 15 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के परिणामों से झटका लगा है। पुरजोर कोशिशों के बावजूद भाजपा के हाथों से ये दोनों सीटें निकल गई। यहाँ मुकाबला शिवराज सरकार बनाम कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हो गया था। चुनाव नतीजों से यह संकेत मिल रहा है कि राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए पहले जैसा माहौल नहीं रहा। वहीं चुनाव परिणाम जनता के रुख में बदलाव की ओर भी इशारा करते हैं। राज्य में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवपुरी के कोलारस और अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव काफी अहम माने जा रहे थे। सत्ताधारी पार्टी और सरकार ने चुनाव जीतने के अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं कांग्रेस की कमान युवा सांसद सिंधिया के हाथों में थी। पिछले दिनों मंदसौर में किसानों पर गोली चलने की घटना के बाद से यहां जगह जगह किसान आंदोलन और कर्मचारी वर्गों के आंदोलन चल रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी और जीएसटी लागू करने को लेकर लोगों में नाराजगी बताई जा रही है। कुल मिलाकर चाहे वह राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, उपचुनाव के हालिया परिणाम यह बताते हैं कि यह वक्त भाजपा के लिए आत्ममंथन का है। यह साफ है कि यहां सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। राजस्थान के अलवर और अजमेर लोकसभा एवं मांडलगढ़ विधानसभा में करारी हार ने यही दर्शाया था। देखना है कि आने वाले समय में भाजपा किस तरह डैमेज कंट्रोल कर पाएगी।